हेलो गाइस, एवर स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो गाइस, आज हम आपको 15 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं, और आप देखते हैं आप इसमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो गाइस, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरा हर रोज़ 5 बजे एक जीके का क्वेश्चंस आते रहता है। तो चलिए ऐसे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 212, ऑप्शन नंबर बी 206, ऑप्शन नंबर सी 202, ऑप्शन नंबर डी है 200। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 206। चलिए, सेकेंड में क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन है 200, ऑप्शन नंबर बी है 206, ऑप्शन नंबर सी है 300, ऑप्शन नंबर डी है 350। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 300। थर्ड और क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 30, ऑप्शन नंबर सी है 32, ऑप्शन नंबर डी है 34। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 अस्थियां। चार नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 14, ऑप्शन नंबर डी है 10, ऑप्शन नंबर डी है 11। तो इसका आंसर होगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थित होती है, शरीर की सब सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो जांग में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में? तो इसका आंसर होगा जबड़े में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन से, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ऑप्शन नंबर ए खोखली होती है, ऑप्शन नंबर बी संरंधी होती है, ऑप्शन नंबर सी ठोस होती है, ऑप्शन नंबर डी किलक होती है? तो इसका आंसर होगा संरंधी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन से, टिबिया नामक हड्डी के किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए खोपड़ी में, ऑप्शन नंबर बी टांग में, ऑप्शन नंबर सी है भुजा में, ऑप्शन नंबर डी है मुंह में? तो इसका आंसर होगा टांग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर किस किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन नंबर ए मेरुदंड, ऑप्शन नंबर बी है जांग, ऑप्शन नंबर सी है रिब केज, ऑप्शन नंबर डी है भुजा। तो इसका आंसर होगा जांग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, नौ नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में दांत कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 20, ऑप्शन नंबर डी है 28। तो इसका आंसर होगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दसवां क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पेंक्रियास, बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी है आमाशय। तो इसका आंसर होगा छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 11वां क्वेश्चन है, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर बी है मुंह, ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी है पेट। तो इसका आंसर होगा छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है रेनिन, ऑप्शन नंबर बी है टेलिन, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है रेनिन, ऑप्शन नंबर बी है टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी है टेनिन, ऑप्शन नंबर डी है रेजिन। तो इसका आंसर होगा टाइलिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 13वां क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी किसकी खास आवश्यकता होती है? जिसमें ऑप्शन नंबर ए है हवा की, ऑप्शन नंबर बी है पानी की, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम की, ऑप्शन नंबर डी है खनिज की। तो इसका आंसर होगा एंजाइम की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 14वां क्वेश्चन है, लार के पाचन में सहायक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी है फाइबर और ऑप्शन नंबर डी है वसा। तो इसका आंसर होगा स्टार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है।
चलिए अब लास्ट या अंतिम क्वेश्चन है कि पित्त कहाँ जमा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पित्ताशय में, ऑप्शन बी है ग्रहणी में, ऑप्शन सी है यकृत में, और ऑप्शन नंबर डी है प्लीहा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय में। तो गाइस हम आपको रोज 5 से 6 बजे के बीच में सुबह और फिर शाम में भी 5 से 6 बजे के बीच में एक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स आने का बहुत ज़्यादा संभावना बना रहता है और बार बार एग्जाम्स में आते हैं उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।